तो दोस्तों जब भी आप एक प्लेन को हवा में उड़ते देखते हो तो आपके मन में एक सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि इन प्लेन्स में कौन से इंजन काम करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और यह कितना थ्रस्ट दे सकते हैं, यानी एक इंजन कितना पावरफुल हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ये सभी टॉपिक्स। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि जेट इंजन कितने बड़े होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यह कैसे काम करते हैं और दुनिया का सबसे पावरफुल जेट इंजन कौन सा है जिसका थ्रस्ट एक पूरी की पूरी बिल्डिंग्स को भी गिरा सकता है। देखते रहिए आज की इस वीडियो को, मैं आपको जेट इंजन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों जेट इंजन का इन्वेंशन 1928 में हैंस वॉन और फ्रैंक विटल ने किया था। इससे पहले एयरक्राफ्ट पिस्टन इंजन से उड़ते थे। जेट इंजन पिस्टन इंजन से ज्यादा सेफ थे, इनको ऑपरेट करना आसान था। इनके आने से प्लेन अधिक स्पीड से और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने लगे जिसके कारण हम कम टाइम में एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सके। जेट इंजन के कारण ही हम हाइपरसोनिक फाइटर जेट बना पाए जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड की 5 गुना थी। दोस्तों अगर बात करें कि एक जेट इंजन काम कैसे करता है तो एक जेट इंजन के काम करने का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग होता है एक पिस्टन इंजन के मैकेनिज्म से। पर जो प्रोसेस एक पिस्टन इंजन में होती है सेम वही प्रोसेस एक जेट इंजन में भी होती है, जैसे हवा को इंजन के अंदर इंटेक करके इसको कंप्रेस करना, इसके बाद कंप्रेस्ड एयर में फ्यूल को मिक्स करके इग्नाइट करना जिससे पिस्टन एक धमाके के साथ नीचे की तरफ जाता है और क्रैंक शाफ्ट को चलाता है और ये साइकिल चलता रहता है। एक जेट इंजन में भी सेम यही प्रोसेस होती है। जेट इंजन में लगे फैंस एयर को इंजन के अंदर दाखिल करते हैं। फैंस के आगे लगे होते हैं कंप्रेसर ब्लेड जो एयर को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेसर ब्लेड के बाद आती है कंबसन चैम्बर जहां पर कंप्रेस्ड एयर में फ्यूल को मिक्स करके इग्नाइट किया जाता है। ये हॉट एयर टर्बाइन से टकराती है जिसे टर्बाइन चलने लगती है और टर्बाइन कनेक्ट रहती है फैन और कंप्रेसर ब्लेड से जिसे ये साइकिल चलता रहता है। दुनिया के सबसे पावरफुल जेट इंजन का नाम है G90 जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। G90 दुनिया का सबसे पावरफुल जेट इंजन है। ये एक टर्बोफैन जेट इंजन है जो 1,28,000 पाउंड का थ्रस्ट जनरेट करता है जो कि केजी में होता है 60,000 किलोग्राम के करीब। दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 60,000 केजी का थ्रस्ट एक कंक्रीट से बनी बिल्डिंग्स को भी गिरा सकता है। इसलिए ज्यादातर एयरपोर्ट्स की बाउंड्री दीवारों से नहीं बल्कि वायर से की जाती है क्योंकि जेट इंजन के हैवी थ्रस्ट के कारण दीवारें ढह सकती है। बेसिकली जेट इंजन 4 प्रकार के होते हैं, टर्बोप्रोप, टर्बोजेट, टर्बोशाफ्ट और टर्बोफैन जेट इंजन। दोस्तों पहले हम टर्बोजेट इंजन के बारे में बात करते हैं क्योंकि बाकी 3 इंजन टर्बोजेट इंजन के बेस पर ही काम करते हैं, बस इनमें कुछ मैकेनिज्म चेंज किया जाता है। दोस्तों एक टर्बोजेट इंजन का आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें आगे की तरफ लगे होते हैं एयर इनटेक फैंस जो हवा को इंजन के अंदर दाखिल करते हैं। इसके बाद आता है एयर कंप्रेसर सेक्शन जहां पर कंप्रेसर ब्लेड होते हैं जिनका डायामीटर हवा को अंदर धकेलने वाले फैन से कम होता जाता है। डायामीटर के कम होने से एयर को आगे जाने के लिए जगह कम मिलती है जिससे एयर का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है। इस प्रेशराइज्ड हॉट एयर का फायदा कंबसन चैम्बर सेक्शन में उठाया जाता है जहां पर इस कंप्रेस्ड एयर में फ्यूल नोजल से फ्यूल को मिक्स किया जाता है। इसके तुरंत बाद फ्यूल हॉट एयर के साथ एक धमाके के साथ इग्नाइट होता है और हॉट गैसेज के जेट इंजन के टर्बाइन से टकराते हैं जिसे टर्बाइन चलने लगती है और यही टर्बाइन एक साफट से कंप्रेसर और फैन से कनेक्ट रहती है। फिर से यही साइकिल चलने लगता है और टर्बोजेट इंजन काम करता रहता है। टर्बोजेट इंजन का सबसे ज्यादा यूज होता है फाइटर जेट प्लेन में। ये इंजन मैक्सिमम थ्रस्ट देते हैं और फाइटर जेट के हायर एल्टीट्यूड पर उड़ना और इनकी हाइपरसोनिक स्पीड का कारण टर्बोजेट इंजन ही है। टर्बोजेट इंजन के कारण ही फाइटर प्लेन की स्पीड 2000 किलोमीटर पर हावर की टॉप स्पीड से भी ऊपर तक जा सकती है। दुनिया की टॉप हाइपरसोनिक प्लेन्स में टर्बोजेट इंजन ही काम करते हैं जैसे कॉन्कॉर्ड, लॉकहीड ब्लैकबर्ड, लॉकहीड F-117। इन सब प्लेन में टर्बोजेट इंजन ही काम करते हैं। सेकेंड, टर्बोप्रोप इंजन। दोस्तों टर्बोप्रोप इंजन टर्बोजेट इंजन ही होते हैं, बस इनमें एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि टर्बोजेट इंजन के कंप्रेसर और टर्बाइन की मेन शाफ्ट को गियर मैकेनिज्म के द्वारा एक प्रोपेलर ब्लेड से कनेक्ट किया जाता है। टर्बोप्रोप इंजन अपना मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करता है इसी प्रोपेलर के द्वारा। टर्बोप्रोप एयरक्राफ्ट की टॉप स्पीड 700 से 900 किलोमीटर पर हावर की हो सकती है। ये एयरक्राफ्ट टर्बोजेट और टर्बोफैन इंजन एयरक्राफ्ट से कम एल्टीट्यूड पर उड़ती है। टर्बोप्रोप इंजन का गियरिंग सिस्टम ज्यादा एल्टीट्यूड और प्लेन के वेट के कारण हवा में ही टूट सकता है, इसलिए इन इंजन के मैकेनिज्म में ये सबसे बड़ी कमी आती है। थर्ड,
टर्बोशाफ्ट इंजन। दोस्तों ये इंजन भी टर्बोजेट इंजन ही होते हैं। इनमें भी एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि जहां से टर्बोजेट इंजन की हॉट गैसेस बाहर निकलती है, इसी सेक्शन पर एक एक्स्ट्रा टर्बाइन लगाई जाती है जो कनेक्ट रहती है एक रोटर से। ये टर्बाइन टर्बोजेट इंजन से निकलने वाली हाई स्पीड गैसेस को मैकेनिकल पावर में बदलकर रोटर को चलाती है। टर्बोशाफ्ट इंजन वाइडली यूज होते हैं हेलीकॉप्टर में। इनका मैकेनिज्म हेलीकॉप्टर रोटर को चलाने के लिए बनाया जाता है। फोर्थ, टर्बोफैन इंजन। दोस्तों जिन इंजन का दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है वो टर्बोफैन इंजन ही है। टर्बोफैन इंजन वाइडली यूज होते हैं पैसेंजर जेट एयरक्राफ्ट में, जैसे कि आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि इन इंजन में भी टर्बोजेट इंजन का ही मैकेनिज्म होता है। जहां पर टर्बोजेट इंजन का एयर इनलेट होता है, यानी जहां से हवा इंजन के अंदर दाखिल होती है, वहीं पर एक गियर मैकेनिज्म के साथ बिगेस्ट फैन लगाया जाता है। ये फैन एक साफट से कनेक्ट रहता है लो प्रेशर टर्बाइन से, जो इंजन की नोजल के आखिर में होती है। इस इंजन में एक गियर मैकेनिज्म के द्वारा हाई प्रेशर कंप्रेसर और हाई प्रेशर टर्बाइन एक अलग डायरेक्शन में चलती है, और इंजन का फैन और लो प्रेशर टर्बाइन एक अलग डायरेक्शन में चलती है। इस मैकेनिज्म के कारण टर्बोफैन इंजन मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट कर पाता है, और यह अपने बिगेस्ट फैन से ही मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करता है। दोस्तों दुनिया का बिगेस्ट टर्बोफैन जेट इंजन G90 है, यानी जनरल इलेक्ट्रिक 90 इंजन, जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसका डायमीटर 12 फीट का है, जो दुनिया के सबसे बिगेस्ट जंबो जेट प्लेन को टेक ऑफ करवाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।